धार्मिक नगरी अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ 24 अक्टूबर को हो चुका था, जिसके बाद 26 अक्टूबर की सुबह अयोध्या के साकेत महाविद्यालय परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग लोक नृत्य कलाओं से झांकियों का प्रदर्शन इस शोभा यात्रा में किया जा रहा है। इस शोभा यात्रा को फिजी गणराज्य स्पीकर वीना भटनागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर रामकथा पार्क तक जाएगी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के साथ शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। वहीं इस शोभा यात्रा में भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास लंका विजय के बाद अयोध्या में राज्याभिषेक को दर्शाया गया। 11 रथों पर सजाई गई भव्य शोभा यात्रा को देखने के लिए लाखों की संख्या में दर्शक और श्रद्धालु धार्मिक मौजूद हैं। शोभा यात्रा की अगुवाई जिले के सांसद लल्लू सिंह सहित 5 विधानसभा के विधायक और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। शोभा यात्रा के बाद रामकथा पार्क में भगवान राम राज्याभिषेक का कार्यक्रम और देर शाम राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत 3,01,000 दीपक जलाए जाएंगे। और हमारे अयोध्या का पारंपरिक लोक नृत्य है जो सदियों से चला आ रहा है, इसको लगभग देखा जाए तो ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हम लोग जो है निरंतर प्रयास से जो है इसको जिंदा किए हुए रखे हुए हैं। और हमारी एक जो है ख्वाहिश है कि इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको जो है लेकर जाएँ और इसको जो है परफॉर्मेंस करें और अपने पूरी दुनिया को हम दिखाएं कि हाँ हमारे अयोध्या का ये कल्चर है और यहाँ पे इस तरीके का डांस किया जाता है और इस तरीके का हमारा जो है पारंपरिक लोक नृत्य है। अयोध्या का जो यहाँ आलम है आज बहुत हर्ष और उल्लास का आलम है और मैं भारत सरकार को और यहाँ पर अयोध्या की सरकार को और यूपी के सरकार को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस भव्य दीप उत्सव के त्यौहार में शामिल किया, आमंत्रित किया। इसके लिए मैं अपने देश की ओर से, अपने देश के निवासियों की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद और शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा लगा, ये मेरे राम की भूमि है। इस राम के जो कथाएं हैं हम लोग रामायण में पढ़ते थे, जिस अयोध्या की बात हम लोग सिर्फ रामायण में पढ़ते थे, आज उस अयोध्या के पावन भूमि पर मैं खुद यहाँ पर खड़ी हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इसके लिए बारंबार मैं जितना भी कहूँ कम है। बिग थैंक यू, हम फिजियन में कहते हैं, हमने फिजी में अपनी जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको बहुत अपना कर रखा हुआ है। हम भी होली दिवाली मनाते हैं, हमारे बहुत सारी रामायण मंडलियाँ हैं, हम लोग रामायण का पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, अपने शिव जी को मानते हैं। तो कल्चर से हम बहुत जुड़े हुए हैं, हम अपने राम से जुड़े हुए हैं और राम की पावन भूमि पर आकर मैं धन्य।